नमस्कार प्रयागराज। तो देखिए, गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद जो है हम लोग छोटा बघाड़े में हैं। छोटा बघाड़े में देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से, लोग जो है नीचे कमरे में पानी आने के से ऊपर देखिए कमरे पे लोग हैं, और जिस हिसाब से गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ा है देख सकते हैं मेरे साथ तस्वीर के माध्यम से। देखिए, लोग अपने अपने घरों के अंदर पानी पहुँच चुका है और लोग अपने छतों का भी सहारा लिए हुए हैं। तो हम लोग छोटा बघाड़े के क्षेत्र में हैं और गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ा है, और NDRF की टीम देखिए लगातार जो है निरीक्षण कर रही है, उनके साथ हम लोग हैं। और देखिए, राजापुर नहीं भैया, कुछ मिला तो नहीं है, शांति है माहौल। राजापुर आप लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, NDRF टीम कर रही है और देख रहे हैं कि लोग फंसे हुए हैं उनकी भी मदद लगातार की जा रही है, लोगों को निकाला जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेके? जैसा कि 3 दिन से लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, अभी भी निरंतर बढ़ ही रहा है, और जलस्तर बढ़ने के कारण राजापुर, छोटा बघाड़ा, फफामऊ कुछ आवासीय क्षेत्रों में पानी प्रवेश कर चुका है। तो वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है कि आप सभी लोग शेल्टर में चलिए, जहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा वहाँ पर रहने की, भोजन की सारी व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से NDRF प्रयास में लगी हुई है, और किसी भी प्रकार की लोगों की मदद की ज़रूरत है, लोगों को बाहर जाना है या और किसी प्रकार की इमरजेंसी है, तो NDRF रात दिन तत्पर उनकी सेवा के लिए लगी हुई है। अभी लगातार हम प्रयास जारी करें। आपका परिचय? इंस्पेक्टर अनिल कुमार, NDRF वाराणसी की टीम से। थैंक यू। पानी में फंसे हुए हैं, किस तरह आप लोग यहीं रह रहे हैं, ऊपरी रह रहे हैं, कहीं सेफ्टी जगह क्यों नहीं जा रहे हैं? जी, अपना घर छोड़ सेफ्टी जगह क्यों नहीं जा रहे हैं? सेफ्टी जगह चले जाएंगे तो फिर यहाँ कौन देखेगा? जो हमारी सामग्रियाँ हैं सब चोरी होने का डर रहता है, यहाँ अराजक तत्व भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ सब अच्छे लोग हैं, जो मौका पाएंगे खाली घर पाएंगे तो सामान उठा ले जाएंगे, फिर क्या करेंगे? तो इसीलिए अपने 4 दिन का कष्ट ले लेना ठीक है, मगर सामान से हाथ धोना सही नहीं ना। आप लोगों को शेल्टर पता है ना? क्या नाम आपका? सुजीत तिवारी।